हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्विक आंसर पर। दोस्तों आज मैं एक और बिल्कुल नया और बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट का नाम किसने नहीं सुना, मुझे लगता है आप सबने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना ही होगा। नेपाल में स्थित इस एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊँचाई दोस्तों 8,850 मीटर है, किंतु दोस्तों नए आंकड़ों के अनुसार इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। नेपाल के लोग इसे दोस्तों सागर माता के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर कई लोगों ने चढ़ने का प्रयास किया, किंतु इसके कई लोग सफल हुए तथा कईयों ने अपनी जान गंवाई। दोस्तों एवरेस्ट की चोटी तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं है, किंतु सबसे पहले इस मुश्किल काम को जिसने किया था दोस्तों वो नेपाल के शेरपा तेंजिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे। इन्होंने दोस्तों 29 मई 1953 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसे कि एवरेस्ट कहा जाता है इसको फतेह किया था। दोस्तों यह जितना बोलने में आसान लग रहा है उतना ही कठिन सफर था। उसमें उनके सामने दोस्तों कई मुश्किलें आई, अपने कई साथियों की जान गंवाई, इसके बाद उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया था। दोस्तों शेरपा तेंजिंग ने यह मुकाम ऐसे ही हासिल नहीं कर लिया, उन्होंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए एक साल पहले सन 1952 में स्विट्जरलैंड के एक रेमन लैम्बर्ट के साथ इसको चढ़ने का प्रयास किया था। दोस्तों वो लगभग उस पर्वत को एक चोटी पर पहुंच ही गए थे, किंतु दोस्तों महज 1000 फुट की दूरी से ही इन दोनों को वापस लौटना पड़ा। दोस्तों इनके लौटने का कारण था उस पर्वत पर आने वाली कठिनाइयां, ऑक्सीजन की कमी तथा फर्स्ट टाइम चढ़ने के कारण उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। किंतु दोस्तों लक्ष्य को पार करने की सोच अगर मन में हो तो कठिनाइयाँ नहीं देखी जाती। तेंजिंग ने दोस्तों इसके जस्ट एक साल बाद फिर से एवरेस्ट को चढ़ने की शुरुआत की। 9 अप्रैल 1953 के दिन उन्होंने एवरेस्ट को चढ़ने की शुरुआत की। दोस्तों उन्होंने कई कठिनाइयाँ जैसे हिम नदी, -डिग्री के टेम्परेचर तथा कई खाइयों को पार किया। दोस्तों उन्होंने फिर से इस सफ़र को शुरू किया तथा उनके साथ ही उनके जस्ट आगे दोस्तों एक चार्ल्स इवान की 9 सीखियों की एक टीम और चल रही थी। दोस्तों उस पर्वत पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं था, उसकी पतली पतली खाइयों तथा पतले रास्तों के कारण उस पर एक ही लोग चल सकते थे। तो दोस्तों चार्ल्स इवान की टीम अगर किसी कारण से इवान की टीम निष्फल हो जाती तभी तेंजिंग की टीम आगे बढ़ सकती थी, क्योंकि वहाँ चढ़ने का एक ही रास्ता था। इवान की टीम लगातार दोस्तों आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन इवान की टीम इस पर्वत की चोटी से सिर्फ 33 फुट की दूरी पर ही थे, किंतु इवान और उनकी टीम को लोग बहुत थक गए थे। दोस्तों वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे, इस कारण वो महज 300 फुट की दूरी से ही वापस लौट गए। दोस्तों इतिहास कुछ और ही लिखा जाना था। इवान की टीम के पीछे लौटते ही अब तेंजिंग की टीम को आगे बढ़ना था। -27 डिग्री टेम्परेचर के बाद भी वे लोग लगातार आगे बढ़ते रहे। हद से ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों के बाद भी तथा ऑक्सीजन की कमी हो जाने के बाद भी वो 29 मई को 11 बजे उस जगह पहली बार पहुँच गए जहाँ कोई नहीं पहुँच सका। दोस्तों उनके लिए यह सबसे बड़ी खुशी का दिन था, क्योंकि आज उन्होंने बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। आज दोस्तों फिर इंसान ने कुदरत के एक और अनपॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिया था। दोस्तों ये कुछ वीडियो फुटेज तथा रियल फोटो है जो कि उन्होंने खींची थी। दोस्तों इसके बाद भी कई पर्वतारोहियों ने उस चोटी पर चढ़े तथा अलग अलग रिकॉर्ड बनाए। उनमें से ही एक नेपाल की रहने वाली रीता शेरजा है। वे माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार चढ़ चुकी, जो कि एक असंभव सा काम है। किंतु दोस्तों
उन्होंने इसे पूरा किया। दोस्तों उनकी इस बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों इसके बाद ही 16 मई सन 1975 में झुनको ताबे नामक प्रथम महिला थी जिन्होंने इस पर्वत पर चढ़ने का खिताब हासिल किया था। दोस्तों इसी तरह भारत की भी कई महिलाएं तथा पुरुषों ने पर्वत पर चढ़ना तथा उस काम को किया। उनमें से एक थी अरुणिमा सिन्हा, जो पहली भारतीय थी जिन्होंने एवरेस्ट पर फतेह किया था। तो दोस्तों आपको ये सफ़र कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको सारी नॉलेज प्राप्त हो गई होगी जो आप माउंट एवरेस्ट के बारे में जानना चाहते थे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।